हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। बिहार राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्टेट का फॉर्म आ गया है। आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि बिहार राज्य के ही भरेंगे, ऑल इंडिया सभी लोग इसमें भर सकते हैं। एंड इसमें माध्यमिक के पेपर वन होगा, पेपर वन माध्यमिक का यानी कि टेंथ तक के लिए होगा। एंड पेपर टू जो है यानी उच्च माध्यमिक में आप स्टेट पास करेंगे, एग्ज़ाम देंगे तो आप 11वीं 12वीं के लिए एबल होंगे पढ़ाने के लिए। तो इसमें आपका होगा, इसमें आप एक एक चीज़ हम मुख्य मुख्य पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें आपके लिए यहाँ पे देखिए आपका इसमें पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे। एंड आपका प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड यहाँ पे स्पष्ट रूप से परीक्षा के विषय के रूप में लिखा गया है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर वन माध्यमिक के तहत आने वाले विषय एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पेपर टू यानी कि 11वीं 12वीं के लिए तहत आने वाले विषय विवरण निम्नवत हैं। तो इसमें आपका उर्दू है, बंगला है, मैथिली है एंड संस्कृत है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। एंड उसके अलावा आपका यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा भी है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के लिए आप BPED किए हों, स्नातक डिग्री के साथ आपका जो भी आपने ट्रेनिंग किया हो 50% अंक के साथ होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए। एंड दोस्तों, इसके अलावा आप कोई इसमें हमें इसके अलावा इसमें संगीत क्या है, ठीक है, संगीत के लिए है, ललित कला की है, नृत्य के लिए है, बट सारी शिक्षा वालों के लिए मैं विशेष रूप से यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। एंड आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे इसके लिए आपका विषय वस्तु होगा स्पष्टीकरण। यहाँ पे देख लीजिए कि पाठ्यक्रम में पेपर वन में आपका पेपर वन और पेपर टू होगा, जिसमें से पैटर्न होगा 100 क्वेश्चन आपका निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे एंड 50 क्वेश्चन आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से होंगे। जो पेडागॉजी वगैरह होता है आपका शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड, उससे क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे ही आपका आवेदन पत्र भरा जाएगा तो आपसे वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको जो आयु सीमा में सीट छूट होगी, आयु सीमा में आपके लिए यहाँ पे आरक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष होना चाहिए आवेदन अप्लाई करते समय। एंड महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष, अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष आपका होना जरूरी है। एंड इसके अलावा आपको जो अन्य सामान्य प्रशासन विभाग के अधिक जैसे कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दिया गया है, और यहाँ पे क्या क्या छूट दिया गया है हम इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ पे आप जा करके सब कुछ देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल मुख्य मुख्य पॉइंट आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको उत्तीर्ण करना है कितना शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक लाना होगा। कितना? 50% अंक सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य कोटि के लिए 50 अंक लाना होगा। एंड पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक लाना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 अंक लाना होगा परसेंट, ठीक। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। एंड दिव्यांग महिला पुरुष महिला के लिए और दिव्यांग के लिए 40% यहाँ पे आपको लाना अनिवार्य है, तब आप इसके शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होंगी। एंड उसके अलावा आपके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डेट जो है, यहाँ पे फीस कितना लग रहा है सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए आपका 960 रुपये लग रहा है पेपर वन के लिए यानी माध्यमिक के लिए। एंड दो पेपर वन, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से लिखा है कि पेपर वन अथवा पेपर टू, एक पेपर के लिए एक पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो 960 रहेगा और दोनों पेपर अप्लाई कर रहे हैं तो 1440 रुपये आपका होगा। अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग वर्ग के लिए 760 रुपये एक पेपर भरेंगे तो, दोनों पेपर भरेंगे तो 1440 रुपये, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें होगी, जैसा कि किसी, जैसे कि कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी मोड में एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, यहाँ पे देख लीजिए। एंड परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षा की ज़्यादा होती है तो आयोजन एक से अधिक पालियों में, यानी कि परीक्षा जो है एक से अधिक पालियों यानी एक से अधिक शिफ्ट में होता है, तो ऐसी परीक्षाओं को समानता अलग अलग पालियों और प्रश्न पत्रों को अलग अलग कठिनाई स्तर के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाई जाती है ताकि विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो, इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपना कर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। तो इसको आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ये आपको अपडेट हो जाएगा। एंड उसके अलावा हम बता देते हैं आपके प्रवेश परीक्षा की अवधि जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा। एंड 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपका समय मिलेगा। एंड दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है आपका 9 अगस्त से 23 अगस्त तक मान्य होंगे, 9 अगस्त अपराह्न 4:30 बजे से लेकर दिनांक 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। और उसके लिए वेबसाइट है bsvstet.com पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये सभी आवश्यक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र की क्या क्या ज़रूरत होगा, मैट्रिक यानी 10th का आपका प्रमाण पत्र जन्मतिथि के लिए, 12th का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, बीएड का एंड अन्य शैक्षणिक योग्यता का। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आप यहाँ पे सभी लोग यानी कि इसमें भरने के लिए आपको केवल भारत का नागरिक हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं है कि केवल बिहार के लोग, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं, अभी मैं आपको पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे केवल भारत का नागरिक हो यानी कि सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ये आपका पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाएगा, अभी जस्ट मैं अपलोड कर दे रही हूँ। एंड आप वहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए।